साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ITI कैंपस इंटरव्यू में। एक और चपरासी भर्ती आ चुकी है। 2023 में ये वैकेंसी रिलीज की गई थी 18,000 पोस्टों पे, लेकिन अभी इनका जो वायदा किया गया था वहां पे लगभग स्कूल के अंदर चपरासी की कमी है वो 25,860 पदों पे थी, लेकिन ये वैकेंसी जब वो पहले पिछले साल ही होनी थी, MLA के राजस्थान में चुनाव होने के कारण ये वैकेंसी को रोक दिया था क्योंकि आचार संहिता लग गई थी। अभी इस वैकेंसी का स्टार्टिंग प्रोसेसिंग पूरी की पूरी जानकारी बता दूंगा, बिना वीडियो को स्किप करिए वीडियो को वॉच कर लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कितनी फीस रहेगी, कितनी वैकेंसीज है, कब तक आपका एग्जाम होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कहां पे जॉब लोकेशन रहेगी, कितनी सैलरी रहेगी, कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देख लीजिए। ए टू जेड संपूर्ण जानकारी आपको बता दी जाएगी। इस प्योन की भर्ती आपको पता होगा 27,884 फोर्थ क्लास की भर्ती है। इसमें आप राजस्थान का पुलिस जो फोर्थ क्लास का ही होता है, ठीक है, ध्यान रखें, राजस्थान के पुलिस की वैकेंसी की तरह ही ये वैकेंसीज है, ठीक है। स्कूल की चपरासी भर्ती छोटे लेवल की वैकेंसीज नहीं है। अगर आप 10वीं पास है, 8वीं पास है तो फॉर्म डाल दीजिए, कहीं से भी बिलोंग करते हो ऑल इंडिया के लिए फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि आपकी कट ऑफ जानी है वो जनरल कैटेगरी के, अदर्स कैटेगरी भरेंगे तो जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, तो ये विशेष करके ध्यान रखें। बाकी राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आ रही है वो भी फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस आएगा, वो भी मैं पेपर बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करके आपको वीडियो नेक्स्ट बना दूंगा। जो भी जिन बच्चों को सिलेबस चाहिए, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एग्जाम रहने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक ही एग्जाम होगा, उसके माध्यम से सिलेक्शन करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट, पोस्ट कितनी रहने वाली है स्कूल चपरासी के लिए, 25,800 पदों पर भर्ती होने वाली है, तो ये ध्यान रखिए 25,800 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट भर सकते हैं। सभी राज्य कैंडिडेट पुरुष महिला दोनों कैंडिडेट्स को यहाँ पे आवेदन करने का मौका रहने वाला है। बात करते हैं योग्यता क्या रहने वाली है, तो ध्यान रखिए 8वीं पास और 10वीं पास के लिए यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। 8वीं पास है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, 10वीं पास है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं स्कूल चपरासी फोर्थ क्लास की वैकेंसी के लिए। आयु सीमा की बात करते हैं तो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको SC ST OBC जनरल कैटेगरी के लिए अलग अलग छूट देखने को मिल जाएगा, जैसे OBC जनरल EWS के लिए 3 ईयर्स का एज करेक्शन देखने को मिल जाएगा, SC ST और फीमेल्स के लिए 5 ईयर्स का एज करेक्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी एक मार्क से आपकी एज क्राइटेरिया की गणना की जाएगी। तो यहाँ पे इससे पहले आप 8 कंप्लीट कर चुके हो, 18 साल कंप्लीट कर सकते हो तो आवेदन कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं सर हमें सैलरी कितनी रहेगी, तो यहाँ पे सैलरी आपकी टोटल बनेगी वो आपका 30,000 के करीबन सैलरी बनने वाला है, लेकिन TAD आपके कष्ट के आपको 27,850 रुपए है वो मिलेगा प्रति महीना इन हेड आपके अकाउंट में आनी आनी है इतनी सैलरी। तो यहाँ पे आपका इंक्रीज भी किया जाएगा सैलरी के अंदर, वो मैं आपके बता दूंगा। बात कर लेते हैं कि सर फीस कितनी रहेगी, तो यहाँ पे चपरासी की वैकेंसी के लिए, स्कूल चपरासी वैकेंसी के लिए सबसे आसान नौकरी है ये, और यहाँ पे जनरल OBC EW के लिए आपकी फीस रहेगी वो 350 रुपए आपको पे करना पड़ेगा अगर आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म जरूर डालिए। SC ST फीमेल्स के लिए आपको 150 फीस पे करनी पड़ेगी। SSC MPS की जो भी भर्ती निकलती है इतना पे आपको करना पड़ता है, तो ये ध्यान रखें। अब आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, सभी राज्य कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन से राज्य के कैंडिडेट भर सकते हैं, सभी राज्य कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो भी बच्चा फॉर्म अदर स्टेट से भरेगा उसकी कट ऑफ मेरिट बेस बनेगी, वो जनरल से बनेगी, तो ये ध्यान रखें। जनरल में आएंगे सभी बच्चे उनकी बेस यहाँ पे बनेगी, ठीक है, वो अलग अलग हिसाब से रहेगा। बाकी SC ST फीमेल्स के लिए अलग अलग यहाँ पे सेक्टर, फीमेल्स के पोस्ट अलग अलग रहने वाले हैं, तो ये सबसे सब बच्चे ध्यान रखें, अदर स्टेट के लिए यह जनरल कैट्स में आएंगे। पद का नाम रहेगा प्योन की वैकेंसीज है, फोर्थ क्लास की वैकेंसीज है, यहाँ पे चपरासी का आपको पोस्ट दिया जा रहा है, स्कूल चपरासी, जॉब लोकेशन राजस्थान के सरकारी स्कूल में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाले है, कहीं भी दी जा सकती है, राजस्थान के किसी भी इलाके में आपको सरकारी स्कूल में पोस्ट दी जाती है। जो बेल 8 घंटे की ड्यूटी रहती है स्कूल का, समय आप 8 घंटे रहता है, 6 से 8 घंटे, उसमें आपको चाहे फाइल इधर उधर करना, फाइल देना, चाय बनाना, झाड़ू निकालना स्कूल के अंदर, और इसके अलावा फूलों को, पार्किंग को पानी देना, इसके अलावा वहां पे आपको बेल लगी होती है पीरियड वाइज, घंटी को बेल को बजाना होता है, इस तरह का आपका वहां पे वर्क रहने वाला, बहुत ही आसान नौकरी है, तो यहाँ पे फॉर्म जरूर डालें। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने पहले बताया कि एग्जाम के माध्यम से होगा, एग्जाम आपका हाई लेवल का नहीं होने वाला है, 8वीं और 10वीं लेवल का एग्जाम होने वाला है, तो ये आप सोच लीजिए।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बड़ी लेवल की क्वालिफिकेशन रखी गई है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और मेरिट बेस्ड बनेगा। मेरिट बेस्ड पहले बनेगा, डॉक्यूमेंट बाद लास्ट में आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। एग्जाम क्लियर करेगा, एग्जाम के बाद मेरिट बनेगी, मेरिट में दो क्लियर होंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, पांच गुना आपको यहाँ पे ज्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा, जितनी वैकेंसी होगी उनके पांच गुना लगभग 1,25,00,000 बच्चों को यहाँ पे पास किया जाना है एग्जाम। मेरिट बनेंगे इतने बच्चों को और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से आपको सिलेक्टेड कर दिया जाएगा, यहाँ पे कोई मेडिकल की चक्कर नहीं है। अब हमें बताया जा रहा है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में आपको क्या पूछा जाएगा, सिलेबस में आपको जीके के प्रश्न आएंगे 25% और 25% ही पूछे जाएंगे, 25 नंबर के ही होंगे। यहाँ के राजस्थान जीके का आपको है वो यहाँ पे 10% पूछे जाएंगे, और जो भाई बाहर स्टेट से है यानी और इंडिया के कैंडिडेट्स के 25% में से 15% के यहाँ से बाहर से पूछे जाएंगे, और इंडिया जीके के पूछे जाएंगे, और 10% आपके रहेंगे राजस्थान जीके के रहेंगे। तो जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है या आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, तो अदर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी शानदार बुक है, क्योंकि यहाँ पे आपका 15% है वो जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करते हैं मैथ, मैथ आपका रहेगा 10th लेवल का, जिसमें आपको 25% पूछे जाएंगे और 25 नंबर के ही आपके होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रीजनिंग है वो आपकी रहने वाली है, एप्टीट्यूड पे रीजनिंग रहेगी, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग का आपका प्रश्न है वो 25% पूछे जाएंगे और यहाँ पे 25 ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 0.25 यानी 4% गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी लगेगी। 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा एग्जाम का, ध्यान रखें 90 मिनट में आपको एग्जाम करना है। और हिंदी व्याकरण के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपका रहेगा, हिंदी व्याकरण भी नॉर्मल ही रहेगा, जिसमें आपके 25 नंबर का होगा, 25% पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स होंगे वो 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 100 नंबर का एग्जाम होगा, 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा और 0.05 आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो ये आप क्लियर कर लीजिए। पहले मैं बता देता हूँ, जैसे ही वैकेंसी निकलती है तुरंत आपको YouTube चैनल पे वीडियो दी जाती है, सारी डिटेल यहाँ पे कंफर्म कर दी होगी। किसी भी भाई को कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, रिप्लाई आपको 100% दी जाएगी। और इसका फॉर्म है वो जल्दी ही 18 फरवरी से पहले पहले ये वैकेंसी आउट कर दी जाएगी। पहले 6 महीने पहले ही वैकेंसी यहाँ पे करनी थी कंप्लीटेड, उस समय 18,000 पोस्ट निकाली गई थी 2023 के 6 महीने पहले। आचार संहिता लगने के कारण इस वैकेंसी को एक बार रोक दिया था, लेकिन अभी बताया जा रहा है स्कूल चपरासी की उनकी वैकेंसी है वो जारी कर दी गई है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना है बोले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं 10वीं लेवल की जल्दी से तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको चपरासी बनना है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है यहाँ पे, 25,669 पोस्ट है टोटल, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, बहुत ही शानदार वैकेंसीज है, सबसे आसान वैकेंसीज है। आप लोगों के लिए YouTube चैनल डेडिकेट कर रखा है, किसी भी प्रकार के कैंपस रिलेटिव कहीं भी नौकरी चाहते हो किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस करके रखिए, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। भाइयों निवेदन है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, और सभी की सभी विज्ञप्ति किसी भी प्रकार का कैंपस प्लेसमेंट नोटिफिकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां पे आप जाकर एक बार ज्वाइन हो जाइए, ताकि वहां पे आपको सारी की सारी